15 महीने उन्होंने जो किया है वो इस समाज के, देश के हर वर्ग ने देखा है, हर प्रकार से उनको पहचाना है। किसानों ने भी पहचाना कैसे धोखा दिया, जनजाति समाज ने भी देखा कैसे धोखा दिया, अनुसूचित जाति ने भी देखा। मुझे तो लगता है कि ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिस ओबीसी वर्ग की कांग्रेस बात करती है। आपने लॉलीपॉप देकर के कहा कि हम 27% आरक्षण देंगे, लेकिन आपके एडवोकेट जनरल खड़े नहीं हुए, और आपने तो कोर्ट के अंदर ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया कि मध्य प्रदेश के अंदर 27% ओबीसी है। जब इतनी गलत जानकारी आप कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करेंगे तो कोर्ट क्या करेगा? तो आपने झूठ बोला कोर्ट को भी, ये कांग्रेस इसका जवाब दे कि आपने कोर्ट के अंदर झूठ बोला। कमलनाथ जी बताएं, दिग्विजय सिंह बताएं कि आपने जो कागज प्रस्तुत किया उसमें 27% ओबीसी की पॉपुलेशन है, ये आपने कहा कि नहीं कहा? और ये ऑफिशियल विधानसभा के विधेयक के अंदर है, यानी गजट के अंदर पारित हुआ है, ये कोई मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, गजट में पारित हुआ है। कांग्रेस जवाब दे, और आप कह रहे हो अब नाटक कर रहे हो, अधिकार यात्रा निकालेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। अधिकार देने का काम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, ओबीसी कमीशन कांग्रेस ने आजादी के इतने सालों में बनाया था, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं दिया था। संवैधानिक दर्जा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, ये अधिकार है। कांग्रेस इतने सालों में राज कर रही थी, अनुसूचित जाति जनजाति का मंत्रालय कांग्रेस ने नहीं बनाया था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे तब जनजाति को अधिकार देने का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। अधिकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। बाबा साहब अंबेडकर के लिए अगर इस देश के अंदर किसी ने कुछ किया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंचतीर्थ बना करके उन सब अनुयायियों के लिए, बाबा साहब अंबेडकर के विचार को प्रतिस्थापित करने के लिए देश के अंदर ये काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, या मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। तो कांग्रेस केवल ये इस प्रकार के नाटक और इस प्रकार के झूठ और छल कपट की राजनीति से जनता बिल्कुल ऊब चुकी है, जनता आपको पहचान चुकी है, जनता ने आपको हिसाब किताब भी किया है। इसलिए आपके इस प्रकार के नाटक करने से अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी हर समाज वर्ग, मुझे तो लगता है कि अल्पसंख्यक भी पहचान गए इनको, अब जो पहले अल्पसंख्यकों को भी अभी ये वोट बैंक मान के चलते थे, अल्पसंख्यक समुदाय में भी एक से एक देशभक्त लोग, पढ़े लिखे लोग जो समाज के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सबका विकास सबका विश्वास। एक सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है। एकलव्य यूनिवर्सिटी में चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, पीएचडी आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव्य यूनिवर्सिटी, सागर रोड।